नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। जनता दरबार में आपका स्वागत है। आज जनता दरबार पहुंचा रिटायर्ड DGLD किराड़ू के पास। सलमान खान को हिरण शिकार केस में जब पहली बार जेल भेजा गया था, तब वह श्री किराड़ू जी के द्वारा ही भेजा गया था। रिटायरमेंट के बाद किराड़ू साहब ने समाज की सेवा करने की ठान ली एवं एक पार्टी का गठन किया, सर्व समाज न्याय पार्टी। आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर LD किराड़ू है। मैं अभी से पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद पे था, अब मैं रिटायर हो गए। अभी मैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ और हमने समाज की सेवा के लिए, राजनीति को सेवा में बदलने के लिए हमने एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है चुनाव आयोग से, भारत के चुनाव आयोग से। हम चाहते हैं कि अब तक जो जनता ने 75 साल तक विभिन्न पार्टियों पे, राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास करके मतदान दिया, उसमें भी मतदान पूरा नहीं हो रहा है, मूल्यांकन जनप्रतिनिधियों का पूर्ण नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि का चयन इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस फॉलोड बाय नेचुरल जस्टिस के आधार पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने इस राजनीतिक दल का जो पंजीकरण कराया है, हम ऐसे वंचित युवा और महिला जिनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है और जो परिवारवाद राजनीति में चल रहा है और जातिवाद, धर्म और संप्रदायवाद चल रहा है, हम इन सबको, कटुता, कट्टरता, वैमनस्य, इन सबको ख़त्म करके एक भाईचारे के रूप में हम इस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये पंजीकरण कराया है और हम चाहते हैं कि हमारे युवा और महिलाएँ इसमें विशेष रूप से आगे आवे। और वैसे भी सरकारें कहती है कि पूरे देश का भार युवाओं के कंधों पे है, लेकिन हम देखते हैं कि युवा होने के बाद वृद्धावस्था तक वो सिर्फ वोट ही कास्ट करता है। और अंतोदगत्वा अभी आज स्थिति यह आ गई है कि 40% के करीब वोट देने वाले नहीं हैं। अब क्यों नहीं देते वो, ये जनता ज़्यादा समझती है कि राजनीतिक दलों का उनके प्रति विश्वास कितना है, दलों पर विश्वास जनता का कितना है, ये जनता जानती है। इसीलिए हमने एक वैकल्पिक तौर पर शुरुआत हम राजस्थान से कर रहे हैं। हम पूरे देश में इस राजनीतिक दल का चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और जनता के सभी लोगों को हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, आप हमें ये बताएं कि आपकी जीवन की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हम एक सामान्य शिक्षक के पुत्र हैं और गरीबी हमने बहुत बचपन से देखी है और इसीलिए ही हमें मजबूरी में 17 साल की उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी और हमने प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी और साथ साथ में शिक्षा भी ग्रहण की और LLB और MCOM, LLB और PhD, MSW और यहां तक कि जज बनने के बाद में PhD और MSW और MS साइकोलॉजी का हमने एग्ज़ाम दिया। सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके हमने कार्य किया, शिक्षा ग्रहण की। ये हमारा शौक था शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ने का, और है आज भी। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर युवा ऐसे संघर्ष करे और हम ऐसे युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। अभी आप पॉलिटिकल में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं सबके साथ न्याय हो। हमारी पार्टी का नाम है सर्व समाज न्याय पार्टी। अब कुछ लोग भ्रम में आते हैं कि सर्व समाज, इन्होंने कोई जाति संप्रदाय से सर्व समाज की व्याख्या की है। हमारे पार्टी के सर्व समाज का मतलब ये है, हमारा कार्य से संबंधित है, वकील समुदाय, मीडिया समुदाय, व्यापारी समुदाय, डॉक्टर समुदाय, डॉक्टर समाज, इंजीनियर समाज, बालक समाज, महिला समाज, ये सारे समाज, किसान समाज, ये सारे समाज कि हम पार्टी बना के आए। हम किसी धर्म संप्रदाय और जाति से संबंधित सर्व समाज की व्याख्या नहीं करते हैं और ये सर्व समाज न्याय की मांग कर रहा है, इसलिए हमने सर्व समाज न्याय पार्टी का पंजीकरण कराया है। सर, आपने क्या सोचा और क्या देखा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे अब ये करना चाहिए, मतलब CM, बहुत PM, जो भी है, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको ऐसा कहाँ पे महसूस हुआ कि आप इस स्टेज पे आ गए?
बहुत रोचक सवाल किया आपने, बहुत ही लोगों की हो सकता है इसमें आकांक्षा हो कि ये व्यक्ति एक जज से रिटायर होके राजनीति में क्यों आना चाहता है, क्या आकांक्षा है, क्या उसकी आगे बढ़ने की और क्या इच्छा है। मेरे कतई नहीं है, हम चाहते हैं राजनीति को सेवा में बदला जाए। हम खुद कुछ नहीं बनेंगे, हम युवा और महिला जो जिसके काबिल है और जो आज तक वंचित रहे हम उसको ही आगे लाएंगे। हम चाहते हैं कि सबको हर समाज को, जिसका हमारे राजनीतिक दल जाति संप्रदाय धर्म से बांट के चलते हैं, मान लो हम चाहते हैं कि ऐसे सब व्यक्तियों को, समाज को, सर्व समाज को उनका हक सबको बराबर मिलना चाहिए। हम सबको इक्वल लड़ना चाहते हैं। जो नीचे दबे, जो जितने ज़्यादा नीचे हैं हम उसको ज़्यादा ऊपर लाएंगे। नेचुरली प्रकृति का नियम है और प्रकृति का नियम बदलाव है, बदलाव होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में भी इसी तरह का बदलाव होना चाहिए। हम जनता को वो सीएम देंगे जो महीने में एक बार हर जिले में जाके सिर्फ अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखे। ये भी हमें कोई बहुत पहले न्याय विभाग से प्रेरणा मिली है कि अपने पास पावर नहीं रखना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करो, युवाओं को दो। और हम ऐसा सीएम देंगे जो सिर्फ बिना विभाग के हर महीने हर जिले में जाके जनता के दुख दर्द पीड़ा शिकायत को सुनेगा, जन सुनवाई करेगा, उनके काम करेंगे और अपने मंत्रियों से काम कराएंगे। एक्चुअल में जनता यही चाहती है। जनता ये नहीं चाहती है कि वोट मांगने के लिए हम चले जाए और वोट लेने के बाद में आप मिलो ही नहीं और 5 साल निकल जाए, तब हम राजनीति करते हैं, जब चुनाव का साल आता है तब हम दूसरे काम करते हैं, ऐसे जो प्रलोभन वाले काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको एक बार जनादेश मिल गया, संपूर्ण राजस्थान का जनादेश मिला, तो ये भी भेदभाव मत करो किसी भी पार्टी की सरकार आवे कि भाई हम इस पार्टी का, ये सरकार कांग्रेस की है मान लो एक पार्टी की है, को दूसरी पार्टी के एरिया में काम नहीं करेंगे। ये भेदभाव भी हम खत्म करना चाहते हैं। जब आप एक बार एक राज्य के सीएम बन गए, एक राज्य के मंत्री बन गए, पार्टी चाहे कोई हो, और आपने विधानसभा का निर्माण कर दिया चाहे पार्टी कोई हो, देन उन सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, संविधान के अंतर्गत भी है, कि वो संपूर्ण राजस्थान का विकास करें। और विकास केवल विकास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विकास नहीं होता है। हम चाहते हैं जो जनता मालिक है वो अगर आपको वोट दे रही है, आप उनका विकास क्या कर रहे हो, इनसे 100% टैक्स ले रहे हो, गरीब से गरीब आप वैट दे रहे हैं 18-28%, उन टैक्स का आप खर्चा कहाँ कर रहे हो जनता को बताइए। आप जनता की भागीदारी करिए, आप जनता को पूछिए कि खर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ये तो कल्चर ही नहीं है अपने देश में। और जबकि इतना टैक्स आ रहा है, तो हमारा देश जब दशरथ काल का था, रामराज की बात करें, दशरथ काल में भी ये था कि हमारा चाइना उसमें भारत में शामिल था, बहुत बड़ा विशाल देश था, कोई दुखी नहीं था, सारे विद्वान थे, कोई अनिश्चय कटुता नहीं थी। और आज हमारा भारत छोटा हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, 40 करोड़ जनसंख्या हो गई, और 100% तक टैक्स जा रहा है। उस समय मधुमक्खी जैसे शहद देती थी पुष्प से, राजा प्रजा से इतना ही टैक्स लेता था। हम चाहते हैं कि वो व्यवस्था विकास के दौरान, औद्योगिकरण द्वारा शहरीकरण के कारण से ये नहीं हो पा रही आपसे, और हमारे युवा ये मांग भी कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर से आ चुका है प्रभाव में, तो हम उसको स्वदेशी को इस रूप में लड़ना चाहेंगे कि उनको खुद को यहाँ अपने गांव तक में रोजगार मिले। हमारा विशाल राजस्थान है, हम चाहते हैं कि इंडिया में आर्थिक बॉम्बे के बाद में राजस्थान को आर्थिक राजनीतिक बनाया जा सकता है, राजधानी बनाया, क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि आप हर हाथ को रोजगार दो, हर ढाने। हम चाहते हैं कि आप विकसित राज्य बनेंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और आपने 50% जो वोट महिलाएं देती है उनको आप एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करेंगे, सोशल इकोनॉमी कर दिया, घर में बैठ जा, हम घर में बैठा करके इतनी शिक्षित, आज की डेट में महिलाओं ने बता दिया है कि हम प्रतिभा रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली भी एम्पावरमेंट किया जाए और उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाए। आप कहते हो कि साहब महिलाएं जीती, कुछ लोग कहते हैं, कोई राजनीतिक दल भी कहते हैं कि महिलाओं को क्या खड़ा करें, क्या टिकट दें, इनको जीतेगी नहीं, कोई वोट ही नहीं देगा। अरे भाई आप वो टिकट देके देखो तो सही, आप यही समझते हो कि जिसमें पैसे की ताकत है या कोई दूसरी ताकत है इसे ही आदमी जीतता है, नहीं जीतता है। पैसों वाले हमने हारते हुए देखे हैं राजनीति। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। हम चाहते हैं बुद्धिजीवी भी अब इस समाज सेवा में, राजनीति की समाज सेवा में आगे आवे, और अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्टों को हम, ये हमारी पार्टी
अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को टिकट देगी, एक्सपर्ट जो है और उसमें भी युवा है, वो आगे जाके क्या काम कर सकते। आज हम देखते हैं कि जो काम हम नहीं जानते इतनी उम्र लेने के बाद में भी, वो हमारे युवा जानते हैं, हमारी महिलाएं जानती हैं। आप क्यों नहीं मोटिवेट कर रहे हो उनको? हम चाहते हैं उनको एम्पावर करिए पॉलिटिकल, और वो अच्छी एनर्जी के साथ में आपके देश की सेवा कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। सर आप मुझे ये बताइए, अभी बीजेपी है और कांग्रेस है, दो पार्टी है, अभी तीसरी पार्टी के लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगे, क्या करोगे ऐसा कि लोग आपको वोट करें या आपको सपोर्ट करें, इसके लिए आपने क्या सोचा है, इसके बारे में बताएं मुझे आप। ये बात सही है कि ये एक व्यवस्था लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है, लेकिन ये लोग और मतदाता ये भी बात कहते हैं कि ये सही नहीं है, और यहाँ तक कि तुमने देखा है सुना भी है कि 40% तो वोट ही कास्ट नहीं करते, और कुल सारे लोग ये कहते हैं कि दोनों पार्टियाँ एक जैसी, क्या वोट करें, ये आवे सरकार में, अब हमारे पास तो विकल्प नहीं है, हम किसको वोट दें, जो अच्छा कर सके उनको देना चाहते हैं, लेकिन आज दोनों ही अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कभी इनको देते हैं कभी इनको देते हैं, और या फिर मतदान ही नहीं करते हैं। हम चाहते हैं वही मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने देखा है पिछले कई सालों का रिपोर्ट देखा है, कभी बीजेपी आ गई कभी कांग्रेस आ गई, तो हर टाइम यही चलता है कि बीजेपी, इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे बीजेपी को शायद कुछ करने वाली, और अगली बार हम करेंगे कांग्रेस को शायद वो कुछ हमारे लिए करिए, हर बार ये चल रहा है, और हर बार जनता ये सोचती है कि हमारे लिए कौन अच्छा करेगा। तो अभी आप बताएं कि वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आपके ऊपर सपोर्ट करे या आपको वोट दे। जो 75 साल में इन पार्टियों ने सोचा भी नहीं था करना, तो बहुत बड़ी बात है, और आगे भी करने पाएंगे, हम वो काम करेंगे, हम जनता का विश्वास जीतेंगे, हम जनता को बताएंगे हम ये क्या हुआ। हम चाहते हैं कि जनता मालिक है, हम ये समझते हैं कानून में ये कहते सारे राजनीतिक दल ही हैं जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए जनता वोट नहीं देती कि हम ना तो इसको देंगे ना इसको देंगे, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, और इस बदलाव के लिए हमने ये इस तरह के मिशन को लेकर के इस राजनीतिक दल का गठन किया है, और हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव आना चाहिए, जनता के सामने एक विकल्प आना चाहिए कि हम आप वोट नहीं दे रहे हो ना 40%, हम कह रहे हैं वोटर्स को भी, वोटर्स क्या है, मालिक है ना, आप कह रहे हो ना, हम कह रहे हैं वोटर्स वोट दे, ऐसे स्कीमें बनाओ, योजनाएं बनाओ, और जनता तक बताओ कि भाई आप वोट दीजिए, सही जनप्रतिनिधि आपके असेंबली में जाए, एक्सपर्ट्स लोग जावे, युवा जावे, महिला, इसके लिए क्यों, सबसे पहले तो राजनीतिक फेरबदल की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त होने की जरूरत है, तो वोटर्स, हम चाहते हैं वोटर्स को इस राजनीति में बेनिफिट दो, क्योंकि वो इस लोकतंत्र में मालिक है, हम चाहते हैं कि उनको ऐसे स्कीमों से जोड़ो, योजनाओं से जोड़ो, हम जोड़ेंगे, हम उसकी घोषणाएं भी करेंगे कि हर वोटर स्वेच्छा से वोट देने जाए। फॉर एग्जांपल कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, हमारा मिशन ये है कि अधिक से अधिक वोट मतदाता करे, इसके लिए हम चाहते हैं कि वोटर्स को कुछ बेनिफिट मिले, तो वोटर्स बाहर निकल के आएगा, नंबर वन। नंबर टू, हम उसको रोजगार की स्कीमों से जुड़े कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको ये डायरेक्ट रोजगार और नौकरी देंगे, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो वोटर्स बाहर आके स्वयं आके करेगा, और ये काम सब कर सकती है पार्टियां। हमने तो देखा है कि किस पार्टी के एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था कि 100% वोट कास्ट घर पे बैठ के ऑनलाइन करने का अधिकार नागरिकों को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जब थोड़े वोटों में राज हो सकता है तो हम सबको वोट का अधिकार क्यों दें? नहीं दे वोट, बैठे रहो घर पे, अपने आदमी तो वोट देंगे ना, जी जाएंगे ना, लेकिन हम कहते हैं वो करेक्ट और सही मूल्यांकन नहीं है जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधि कौन आना चाहिए, सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, कौन जनता का सुख दर्द की और जनता का युवाओं को महिलाओं का ध्यान रखेगी, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि युवाओं को रोजगार की बात करते हुए आप, हम तो युवाओं को ही टिकट देंगे, फिर क्या होगा, हम तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, और हम तो हो सकता है उनमें से कुछ ये मन जाए। हम चाहते हैं कि युवा और महिला जो 35 साल में MLA का चुनाव लड़ता है, 35-40 साल की उम्र में वो 70-80 साल तक चुनाव लड़ता है, वही बनता रहता है बदल बदल के, परिवारवाद मानो चाहे जातिवाद मानो, पता नहीं क्या इन्होंने, हम ये बदलाव चाहते हैं,
और ये बदलाव आने पे आपका पूरा बदलाव राजनीति में आ जाएगा, हमें पूरा विश्वास है और यही जनता का विश्वास हमारे प्रति रहेगा। सर जुडिशरी में आप हमेशा हाईलाइट रहे हैं, तो आपके पास काफी केस आए होंगे, तो आप उनके बारे में बताएं मुझे एक बार। न्यायिक सेवा के दौरान सबसे पहले तो हिरण शिकार में सलमान का सबसे पहले सुनवाई मेरे सामने की, उसके बाद में यहाँ जयपुर में सिकंदर पोक्सो केस में भी हुआ, इसी तरह से हमारे सीरियल बम ब्लास्ट जयपुर में केसेस हुए उसकी भी मैंने केसेस की, 9 केस की हियरिंग मैंने की, और बॉर्डर भूमाफियों के जो बॉर्डर की विक्रय बेची गया, ज़मीन बेची गई, सरकार ने उस रजिस्ट्रियों को कैंसिल के लिए मुकदमा लगाया कोर्ट में, उसमें भी मैंने सैकड़ों मुकदमों की फैसला करके हज़ारों बीघा ज़मीन सरकार के खाते में डाली का फैसला किया। ये हमारे मुख्य प्रकरण रहे हैं न्याय सेवा में। सर आप मुझे बताएं, आपके पास एक सलमान खान का केस भी आया था, ठीक है, जोधपुर का केस था ये हिरण के लिए, तो उसके बारे में उसमें क्या हुआ था आप बताएंगे? उसमें बड़े लोगों का या गरीब लोगों का हिरण शिकार का मामले होते रहे, कुछ अपने पेट के लिए करते हैं, कुछ शौक़ के लिए करते हैं, तो ये ऐसा चर्चित मामला हुआ कि हमारे विष्णोई समाज के लोग हिरण में बहुत विश्वास रखते हैं और उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसे लोग भी इस तरह के हिरण का शिकार करें, तो उन्होंने ये मुकदमा सरकार की तरफ से हुआ और फिर वो सबसे पहले मेरे सामने पेश हुआ और हमने उसको कस्टडी में भेजा और सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले वहीं उस समय थे। बाद में ये इसमें शायद इस मामले में सजा भी हुई है। काफ़ी लंबा केस चला था ये लंबा चलने का कारण ये है कि हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी होते हैं उसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक्यूज पर्सन होता है, अभियुक्त मुलजिम पक्ष होता है, वो समय समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उस कारण से वो तारीखें चलती है और फिर गवाहियाँ भी होती है, तो इस कारण से फिर उसकी सज़ा भी हो गई मान लो, उसके बाद अपील को हुई, अपील में भी चला मामला और अब आगे भी अपील चल रही है, तो लंबा तो न्याय विभाग में जो आपराधिक मामले हैं वो निश्चित रूप से होते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मैं ना पाक साफ निकलूँ, और अगर कोई रिकॉर्ड में सबूत होता है तो अल्टीमेटली सज़ा होती है।